परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हम भी इस अवसर पर 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और आज हमारा 8वां दिन, आज आखिरी दिन है। पिछले 8 दिनों से हम प्रतिदिन नए नए स्पीकर, नए नए टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है समस्याएं तो आती है आती रहेगी, समस्या आती है आती रहेगी, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे। हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई आदमी या महिला नहीं जिनके जीवन में समस्याएं ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तो समस्याओं का समाधान कैसे मिले हमें, इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज अमेरिका से हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हेमा जी हमारे साथ जुड़ी है, डायनामिक लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मंच में अलका जी साखलो को समर्पित करता हूँ। अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप हेमा जी को सादर आमंत्रित करें उनका परिचय देते हुए और आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साखला, गुड मॉर्निंग टू जो भी जुड़े हैं सबको मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ। पहले ओपन योर वीडियो एंड हाथ अप कर दीजिए सबको, पहले सुबह एक सुबह हमको खुश होना है, सबको मस्त होना है, दोनों हाथ ऊपर और जोर से बोलिए आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यस आई एम द टॉप इन द वर्ल्ड, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, पूरे विश्व में मैं भारी हूँ, पूरे विश्व में मैं भारी हूँ, इधर देखो नारी उधर देखो नारी, अरे वीडियो पे देखो कितनी सारी नारी नारी नारी, घर की केंद्र बिंदु भी होती है नारी, चारों तरफ है नारी 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 नारी, नारी बिना उद्ध्वस्त हो जाएगी ये सृष्टि सारी, ऐसी महान नारी का स्वागत करना है। और आज विशेष रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई डायनामिक लेडी है और इसके साथ साथ बहुत सारी यूएस की बहनें भी जुड़ी है ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इनका ग्रुप ही इतना बड़ा है, तो इनके ग्रुप के साथ सभी जुड़ी हुई है महिलाएं, तो ये जो काम करते हैं ना ये अकेले नहीं करते, इनका पूरा टीम वर्क होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि खूबसूरत सा एक पल होता है जो किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन किसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बनता है, जिनके साथ कभी न टूटने वाला रिश्ता जुड़ता है। तो ऐसी मेरी सखी सीमा जिससे आप मिले हैं उसका रिश्ता जुड़ा और इनके कारण हेमा जी से जुड़ी और अमेरिका के बहुत सारे लोगों को मैं मिल रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और हेमा जी के बारे में कहे तो वसुधैव कुटुंबकम् मानकर पूरे विश्व के लिए ये काम कर रही है, केवल अपने लिए नहीं है। तो इनकी भी बात ऐसी है कि कुछ रिश्ते ऊपर वाले बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, वे लोग खास होते हैं जो बिना रिश्ते के ही रिश्ते बना लेते हैं और पूरे दुनिया के रिश्ते निभाते हैं और सबके लिए अपना जीवन काम करने में समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे हमारे जो नारियां हैं उनको हम 8 दिन से मिल रहे हैं, कोई शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है, कोई संस्कार संस्कृति के लिए काम कर रही है। तो आइए हेमा को हमको जानना है, तो हेमा को जानना है तो बहुत बड़ी बात है कि ये हस्ती का परिचय देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इनका परिचय इसलिए नहीं देना चाहूंगी डीप में क्योंकि हम उनको ज्यादा सुनना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि ये इंडिया की एक महिला छोटे से गाँव में से इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंच गई है। तो ये इनका जो अद्वितीय प्रवास है, कहां से कहां पहुंची हेमा जी, तो हेमा जी के बारे में बीच बीच में मैं आपको बताती ही जाऊंगी, पर क्या आप मुझे अभी हेमा जी के लिए स्वागत के लिए तैयार हो, तो एक बार हेमा जी देखिए हम सब स्वागत कर रहे हैं दोनों हाथ ऊपर, मोस्ट वेलकम हेमा जी, मोस्ट वेलकम। तो पहले हम थोड़ा सा हेमा जी को देख लेंगे, जान लेंगे और फिर बीच बीच में मैं उनका परिचय देते जाऊंगी। तो इतना ही बताऊंगी कि इंडिया से ये पहुंची है यूके,
यूएसए, तो यूएस में पहुंचने के लिए पाया तो इनका बचपन में ही पक्का हुआ था शायद, ये संस्कार संस्कृति फैमिली इतना सबको रिस्पेक्ट करती है, दुनिया के लिए काम करने वाली है हेमा जी, निश्चित ही अपने फैमिली के लिए बहुत ही मतलब ज्यादा पैशन होता है इनका कि रिश्तों को निभाना। तो देखना है कि कैसे रिश्तों को निभाने के लिए हेमा जी क्या कर रही है। तो सुस्वागतम करते हुए चलिए हेमा जी आपके पियर चलते हैं और आपसे जान लेते हैं कि आप क्या थी, कहाँ से आई हो और यहाँ तक कैसी पहुंची हो, तो आपका प्रवास धीरे धीरे हम जानते जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, आज नारी दिन के लिए सबको बहुत बहुत इंटरनेशनल नारी दिन के लिए शुभकामनाएं। अंतस्थ विराजित गुरुदेव को सभी वंदन करें और जो साधु साध्विया हमारे लिए काम कर रहे हैं उन सभी विश्व के साथ साधु संतों को भी हम नमन करें। इसके साथ हेमा जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारा ज्ञान हम कंप्यूटर से लेते हैं, आप तो हमसे जुड़ी है, ये मीडिया से जुड़ी है, तो हम रोज कंप्यूटर गुरु को भी वंदन करने लगे हैं क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। तो उनको भी वंदन करती हूँ कि जिन्होंने हेमा जैसी हस्ती को हमको जोड़ा है। तो आइए हेमा जी आपकी बात आप शुरू कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम अबाउट इट, थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, यस वेरी गुड वेरी गुड, यस सब करिए एक बार हेमा जी के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, यस हेमा जी स्टार्ट। ओके या थैंक यू, धन्यवाद सीमा जी फॉर मुझे आप यहाँ लाने के लिए। मैं इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी लड़की थी जो रूरल एरिया में बड़ी हो गई। मेरे मम्मी डैडी टीचर्स थे दोनों भी, और उनको एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी, परफेक्ट स्टूडेंट, और बिकॉज ऑफ टीचर टीचिंग दे ऑलवेज वांटेड मी टू बी हैविंग अ परफेक्ट चाइल्ड एंड स्टूडेंट। सो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी मगर नहीं हो सका, तो बाद में मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं जो डोमेस्टिक अब्यूज लेडीज होती है उनको मैं जाके कुछ कुछ उनको हेल्प करूं। और जब मैं इंडिया में थी तो मेरी शादी भी हो गई और मेरे हस्बैंड अमेरिका आ गए, तो मुझे फिर उनके पीछे पीछे इधर आना पड़ा। सो मुझे जुडिशियर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑफर आया था, और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमेरिका जाऊंगी और 2 साल रह के फिर वापस आ जाऊंगी, जैसे हम सब लोग बातें करते सोचते हैं। और यहाँ आने के बाद बस यहाँ आके फिर मैंने एजुकेशन लेना शुरू किया, और उसके बाद मैं लड़की हो गई, और ऐसे पता ही नहीं चला कि 32 साल यहाँ आने के बाद कैसे चले गए। और इतने सारे फ्रेंड्स मिले, इतने सारे फैमिली मेंबर्स मिले, और बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया से अभी हम जुड़े हुए हैं और पुराने फ्रेंड्स भी मिलते हैं, और अच्छा लगता है। सो देखिए देखिए हेमा जी का ग्रुप देखिए आप लोग, देखेंगे कितनी महिलाएं हैं, कितनी खूबसूरत महिलाओं का फोटो देखिए, कितनी महिलाएं जुड़ी है, रंगे बिरंगे सबके एक एक साड़ियां, और इतनी सारी महिला मिलके अगर काम नहीं करती है तो क्यों ना काम होगा अच्छा, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रही है, जितने परिवार से जुड़ी है उतने काम में भी लगी है। सबसे पहले हेमा जी मैं आपको पूछूंगी, आप 32 वर्ष अमेरिका में रह रही, और भारतीय संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति क्या आपको डिफरेंस लगा, और कौन से ऐसे प्रश्न लगे कि जो इंडिया में बहुत अच्छे है और कुछ है वो यूएस में अच्छे है। होता तो सब जगह अच्छा होता है, हमारी भी दृष्टि होती है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि भी होती है, फिर भी सृष्टि तो कुछ तो है ही। तो आप बताइए अमेरिकन और इंडियन इनके तुलनात्मक लाइफस्टाइल, फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज, इसका आपने क्या अनुभव किया? जब 32 साल पहले जब हम लोग आ जाते हैं अमेरिका में, तब हम वहाँ ही फ्रीज हो जाते हैं, मीन्स 32 साल पहले की जो संस्कृति जो हमने एक्सेप्ट की होती है यहाँ आने के बाद वो कंटिन्यू रहती है।
जब हम इंडिया वापस जाते हैं तो देखते हैं कितना चेंज हो गया है। मेरे एज की लेडीज जो है शॉर्ट्स पहन रही है और मैं वहां जाके साड़ी पहन रही हूँ। जो बड़े बड़े शहरों में वो लोग जब जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि मे बी मैं अलग हो गई हूँ या इंडिया चेंज हो गया है या मैं चेंज नहीं हो रही। ये मुझे बहुत वो लगता है। अगर इंडिया में बहुत जब जाने के बाद बहुत लोग आस्था से मिलने आते हैं और मीन्स उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मुझे ऐसे लगता है कि क्यों छोड़ के चले गए, इतने अच्छे लोग प्यार करने वाले इंडिया में है, मगर वो मातृभूमि है और ये कर्म भूमि हो गई है। तो अभी दोनों भी अच्छा लगता है और अच्छा है कि हम मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं इंडिया, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। और अभी तो ये व्हाट्सएप पे और उस पे सब फेस टाइम होता है तो ऐसे लगता है कि बस हम रोज मिल रहे हैं। सो मीडिया को धन्यवाद। बहुत सही, बहुत सही। हेमा जी, अभी मैं आपको पूछने वाली हूँ आपके पतिदेव के बारे में, क्योंकि जब भी हम प्रगति करते हैं तो पियर से हमें माता पिता का साथ मिलता है और कभी कभी हमें ससुराल आने के बाद जितना साथ चाहिए अपने पति का और परि ससुराल का मिलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सके, एक महिला बोलते हैं हर पुरुष के पीछे सक्सेस के लिए एक महिला होती है, मुझे ऐसा लगता है ऐसी कई महिलाएं कि जिनके सक्सेस के लिए एक पुरुष भी उनके पीछे है। तो क्या आप अपने हस्बैंड के बारे में हमें कुछ बताएंगी? पतिदेव तो बहुत बड़े होते हैं, तो बताइए हमारे लिए आपके पतिदेव के बारे में। या वो इधर आए थे स्टूडेंट करके आए थे और उसके बाद मैं 2 साल के बाद आई। आने के बाद उन्होंने बोला कि तू और 2 साल पढ़ाई कर, मास्टर्स कर ले तो तुझे अच्छा जॉब, और मैं मेरा बिजनेस शुरू करूंगा तो तुम घर में रह लेना। और जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो मैं अभी देखती हूँ आजकल की लड़कियां हस्बैंड नहीं आया 5 बजे के बाद तो प्रॉब्लम होता है उनको और वो जल्दी नहीं आते, ये नहीं होता है। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होने देना है उनको तो 3 बच्चों को लेके मैं सब कुछ करती थी, उनको स्कूल लेके जाती थी, लेके आती थी पूरा। मेरे हस्बैंड को कुछ भी उनका प्रेशर नहीं होता था और मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो घर पे, क्योंकि मुझे पता था कि वो ऑफिस में कुछ कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उनके 4000 एम्प्लॉइज थे जब 2014 तक 12-13 तक, और उनके 17 ऑफिसेस अराउंड द वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के थे। और उसके बाद अब ये प्रोग्रेस अगर मैं कुछ बोलती तो शायद होता या नहीं होता मालूम नहीं, बट वो भी आगे चले गए और मैं भी मेरे बच्चों की तरफ उनको अच्छा सिटीजन बना के एजुकेशन वगैरह देके मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को सहारा देना चाहिए और समझना चाहिए। वाह, बहुत सही कहा आपने, एक दूसरे का सहारा दिए बिना। परंतु मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं और आप दोनों मिलके बहुत कुछ कर रही है। किस किस से मिल रहे हैं और कहां कहां से आपका काम हो रहा है और किस किस के साथ आप जुड़ रहे हैं? इंडिया के साथ तो आप इस तरह जुड़ी रही है, भारतीय संस्कृति को साथ में रख रही है, परंतु यूएस में भी आप दोनों का बहुत बड़ा स्थान गवर्नमेंट में भी आपने पाया है ऐसा हमने सुना है, कुछ पद पे भी आप अमेरिका में हो और बहुत सारी हेल्प आप वीसा कोई प्रॉब्लम पासपोर्ट की आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप हेल्प करती है। तो इसके लिए आपके पतिदेव का आपका कितना साथ है, दोनों मिलके आप क्या कर रहे हैं और आपका ग्रुप क्या कर रहा है, आप इन बारे में बता दीजिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो सिटी ऑफ डिट्रॉइट में जो माइनॉरिटी लोग होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, उनके बच्चों को इंस्पायर करने के लिए उनको स्कॉलरशिप करके रखी हुई है और डोनेशंस दिया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी को कि एजुकेशन दे बच्चों को, $5 million उन्होंने डोनेशन दिया है और $1 million उनको स्कॉलरशिप के लिए दिया है, बिकॉज वहां से ही वो ग्रेजुएट हो गए हैं तो उनका वहाँ बहुत बहुत अच्छा योगदान वहाँ दिया हुआ है। और वो स्टूडेंट्स को भी हायर करते हैं, जैसे वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, मैंने भी वहाँ से ही ग्रेजुएशन किया है। सो गिव बैक टू द कम्युनिटी जो उनका जो वो है बहुत अच्छा उनका तरीका है। और हम जैसे हिंदू टेम्पल है, मंदिर है, उनको भी हम सहारा वो देते रहते हैं। और मेरा जो मुझे ऐसे लगा कि अभी जो कोविड आ गया उसके बाद जो MICS करके मिशिगन इंडियन कम्युनिटी सर्विसेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, और उसके बाद मुझे
और हम सब वॉलेंटियर्स को इतना अच्छा मौका मिला हम लोगों को हेल्प करने का, स्टूडेंट्स को, स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स थे जिनको अचानक, जैसे अभी यूक्रेन में जो चल रहा है कि वार, जैसे वो तो बायोलॉजिकल वार जैसे हो गया और उनको, बच्चों को पता नहीं चल रहा था कि अभी हम कहाँ जाए क्या करे, तो जो सीनियर, जो अभी तुमने इतनी सारी लेडीज जो देखी उनको मैंने लिखा, बोला यू नो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो उनको वो हो रहा है क्या बोलते हैं उसको कि वो घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो सीनियर अबाउट 75 इयर्स ओल्ड प्लस लोगों ने आके घर का खाना बना के वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, फिर उसके बाद जो मास्क चाहिए थे स्टिचिंग मास्क करके तब शॉर्टेज चल रहा था वो सब काम किया, फिर उसके बाद हमने फंड रेजिंग किया उसके लिए। तो ये सब बातें जब हो रही थी तभी एयरलाइंस वगैरह वगैरह सब बंद हो गई थी कुछ दिन के लिए, देन सब कुछ स्टूडेंट्स मर गए, समझो स्ट्रेस से मर गए या कोई कैंसर से मर गया, तो वो लोगों को मैंने सोचा कि वो लोग मुझे कॉल करने लगे कि मैडम कि तुम इनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हो, स्टूडेंट्स ने कॉल करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, अब तो फ्लाइट्स तो चालू नहीं है, अब कैसे करेंगे, तो मैंने ग्रुप बनाया वॉलेंटियर्स का, और वो वॉलेंटियर्स का ग्रुप बनाने के बाद मैंने सबको हेल्प करना शुरू किया। सब लोग मुझे पूछते थे तुम इमिग्रेशन ऑफिसर हो या तुम एयरलाइन एजेंट हो या तुम क्या करते हो, तो मैंने बोला उनको ऐसे लगा कि मैं कोई ऑफिसर वगैरह, मगर अगर वॉलेंटियर्स नहीं होते तो शायद मैं किसी को हेल्प भी नहीं कर सकती थी। और वो व्हाट्सएप का जो मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, जैसे व्हाट्सएप अगर नहीं होता तो ये जो सक्सेस जो है, जो हेल्प करने की जो ताकत आई है, वो शायद मैं हम लोग कभी नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट 250 लोग ऐसे हमने 10 ग्रुप बनाए हैं, और वो ग्रुप में हमने सीनियर लोगों के लिए, सब लोगों के लिए OCI करना, इमरजेंसी वीसा लेके देना, एंड देन मुझे कॉन्सुलेट जनरल जो 6 ऑफिसेस है अमेरिका में, उन्होंने सबने हमको वो किया, सपोर्ट किया, और सभी जब भी उनको किसी के मम्मी मरते थे, किसी के डैडी मरते थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि कितना भयानक टाइम आया है हमारे ऊपर कि जो कोविड की वजह से मम्मी डैडी मर गए, उनके सब बच्चे अमेरिका में हैं और मम्मी डैडी इंडिया में हैं, और हमारे घर में ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड अकेले यहाँ है, तो लकीली उनके माँ बाप को, उनके 3 भाई और बहनें वहाँ इंडिया में थे तो उनके सब टेक केयर कर सकते थे, तो हमने विद इन 24 घंटा या 48 आवर्स हमने उनको वीसा देके उनको इंडिया में भेजा, तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी को हेल्प करते हैं। तो आप ये इस प्रकार की हेल्प की कौन सी ये फोटो है आपकी, कुछ बहुत बहुत सुंदर सुंदर फोटो समझ में नहीं आ रहा कि प्लेन दिख रहा है और उसमें कुछ दिखा रहा है आप, तो ये क्या है बताइए आपका काम। या सो अभी मैं नवंबर में इंडिया आई थी, जब वो ओमिक्रॉन होने के पहले ही इंडिया आई थी सिर्फ 15 दिन के लिए, तो मुझे जैसे ही हमारा जो तुमने डायनामिक वुमेन्स का ग्रुप देखा उसमें मेरी कजिन ने लिखा कि तुम थोड़े इंडिया आ रही हो तो तुम थोड़े ब्लैंकेट्स स्वेटर्स वगैरह दे सकते हो इनको डोनेशन, तो मैंने हमारे ग्रुप में डाल दिया। ना हमारे ग्रुप में डालने के बाद जब देखा कि 3 दिन में 6 लाख रुपया मिल गए मुझे, तो फिर मैंने वहां लोगों को पूछा कि ये 6 लाख, मैंने मुझे तो सिर्फ एक ही 50,000 रुपये चाहिए थे, तो ये 6 लाख रुपए मिल गए हैं तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो डॉक्टर आरदवाड उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ एक HIV खुला हुआ है, HIV पेशेंट्स लो बच्चों के लिए एक सेंटर खुला है, मगर उसका नाम है हैप्पी इंडियन विलेज इंस्टेड ऑफ HIV, तो उन्होंने बोला कि चलो हम वहां जाके आते हैं, तो देन वो जब गई तो वो लोग अभी मुझे मेरे साथ शेयर करते हैं, अभी हम ट्रिप पे गए, अभी हमको बस मिली, अभी लाइफ इंश्योरेंस ने बस दिया, ऐसे करके वो लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन में, रवि बापटले करके एक मराठी है, सो जिसने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूंगा और यही HIV के बच्चों को मैं उनको बड़ा करूंगा, ऐसा वो बस जो है, बस में जो है वो बच्चे है जो HIV के बच्चे हुए बच्चे है वो। और ये हैप्पी होम है क्या आपका जो आप बोल रहे हो? ने क्या किया कि जो हैप्पी विलेज उन्होंने जो बनाया हुआ है, जो इसमें रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनको उनको HIV हुआ है, बट ही इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन देम विद द मेडिसिन कि उनके बच्चे हेल्दी कैसे बने, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि हमको ये हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं अभी 18 साल के बाद या 20 साल के बाद,
तो हमको उनके लिए घर लेने बांधने हैं, कैन यू डोनेट सम मनी। तो जब हमने डोनेट किया डायनामिक वुमेन्स में से हमको पैसे जो मिले, तो उसमें से उन्होंने ये घर बांधे और अभी उन्होंने हमको फोटो भेजे कि ये अभी है। सो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में उन्होंने वो रेडी कर दिए। वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सीता नहीं, अहिल्या नहीं, तू नहीं है गांधारी, परंतु बस वर्तमान की तू नारी, तेरे अंदर है एक चिंगारी, सब दायित्व निभाती है तू सारी। तो आए हमें बताइए अभी कि ये तो हमने जाना है कि महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है, इतिहास में भी हिमाजी कहाँ गया है। मैं हमेशा कहती हूँ राधे कृष्ण सीताराम, देखो देखो भगवान ने भी दिया है तुझे प्रथम स्थान, राधे कृष्ण सीताराम, तो भगवान ने भी तो दिया है नारी को प्रथम स्थान। तो ऐसे नारियों पे अमेरिका में भी मैंने सुना है कि कुछ अत्याचार भी होते हैं, कुछ महिलाओं की प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है, तो ऐसे कुछ महिलाओं के किस्से, क्योंकि आज महिला दिन है तो मैं चाहूंगी कि महिलाओं के जो किस्से हैं क्या आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, ताकि हमें पता चले कि महिलाएं में क्या समस्या यूएस में होती है, क्या इंडिया में होती है। समस्या तो समस्या ही, आनंद भाई जी कहते, परंतु हमारे गुरु हमेशा कहते समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। तो मैं कहती हूँ समस्या का नाम है हेमा जी, तो आप समस्या का समाधान दे रही। तो सीमा भी मुझे कई बार किस्से बताती थी कि अमेरिका में भी कई महिलाएं स्टक हो जाती थी, फिर वो कैसे हेल्प करते, तो उससे कोई किस्से हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज स्पेशली नारी डे है, तो उनके बारे में आप बताइए हेमा जी। या सो जब मैं इंडिया में मैंने जब प्रैक्टिस की तो फैमिली कोर्ट के लिए मैं वहां होती थी, और मेरे जो सीनियर होते थे वो बोलते थे वो कि वो हस्बैंड साइड से बाजू लेते थे, और मैं देखती थी कि सिर्फ इसके लिए क्या बोलते सिर्फ अंगूठी के लिए या स्कूटर नहीं दिया या जो भी है छोटे छोटे बर्तन नहीं दिए, उसके लिए वो लोग अपनी अपनी बहुत देते थे। तो मैं उनको बोलती थी कि तुम ये इसको तकलीफ दोगे और दूसरी शादी करोगे तो आपको कौन रिस्पेक्ट देने वाला है, दूसरी वाइफ तो और भी ज्यादा उनकी फैमिली और भी आपको अच्छा नहीं ट्रीट करेगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्हीं के साथ तुम रहो। तो वहां जो मेरे जो कलीग्स थे वो बोलते थे तुम तो महात्मा गांधी बन के यहाँ कर रहे हो, हमारा पॉकेट हमारा फाइनेंस हमारा तुमने खराब कर दिया, तुम तो हस्बैंड वाइफ को साथ में लेके आ रहे हो और हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं अच्छा लगता ये कि हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा लगाए और हम उसके ऊपर पैसा कमाए। तो वो बोलते थे तुम्हारे हस्बैंड तो अमेरिका में है ना, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है मगर हमारे पास नहीं है। मगर मैंने बोला किसी और का घर जला के मुझे नहीं अच्छा लगता, तो सो दे यूज्ड टू कॉल मी लाइक महात्मा गांधी का अवतार है। मगर जब मैं अमेरिका आई तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ सब एजुकेटेड लोग है, यहाँ तो अंगठी वगैरह के लिए तो अब तो झगड़ा तो नहीं होता होगा। मगर मुझे कॉल आने लगे, सब कुछ कुछ लोगों के ऐसे कॉल आने लगे कि हेमा जी यहाँ है माई फैमिली सर्विसेज करके है, मगर वो लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे हमको जाना नहीं है, कम्युनिटी में जाके पता नहीं करना है, तो हम तुम अकेले हमको हेल्प करो। सो ऐसे हर महीने को या मे बी महीने में 2 केसेस आ जाती है, तो मैं उनको इंडिविजुअली उनको हेल्प करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है रेशमा सांबारे, उसको लेके मैं उसको प्रो बोनो लीगल हेल्प करके हम कभी कभी तो उनको हमने उनको घर में से निकाला हुआ है, बेसमेंट में से निकाला हुआ है, इविक्ट किया है, और उनको शेल्टर में से हमने उनको घर उनको लाके उसका हस्बैंड का अधिकार जो भी है डिवोर्स के बाद जो पैसा होता है वो सब करके हमने उनको दिया है। कितने सारे केसेस है जो न्यूली मैरिड तो लोग आ रहे हैं, लड़कियां उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं यहाँ। अभी एवरी मंथ मेरे पास एक केस तो प्राइवेट आ ही जाती है, और मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकती उन लोगों को लाके बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। वो एक इंडिया में मैं उनको समझा सकती थी बट यहाँ नहीं हो सकता है। एनीवे यहाँ आके भी मुझे ऐसे लगा कि प्रॉब्लम तो है लेडीज को। बहुत सही बात है, महिलाओं को इतना इतना कुछ सहना पड़ता है, और आपने कहा यूएस में आके आपको लगता है परंतु कुछ को बेसमेंट में से निकालना पड़ा, किसने से कहां से निकालना पड़ा, वहां फोन भी नहीं करने देते, बंद कर देते, क्या करेंगी महिलाएं, वहां का वातावरण और अपना वातावरण बहुत डिफरेंट है। तो बहुत बढ़िया है माजी, इतना करते करते आपने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए, आपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। तो मुझे बताइए कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, अमेरिकन बच्चे और
मतलब अमेरिका में जिनका जन्म हुआ, ऐसे इंडियन माँ बाप के जो बच्चे हैं और इंडिया के बच्चे हैं, इनकी सारी फैमिली वैल्यूज, संस्कार, इसमें क्या होता है? और आपके बच्चों के बारे में बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और आपके बच्चे क्या क्या करते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगी तो हमें और अच्छा लगेगा कि हम हमारे एक फैमिली से फैमिली जुड़ जाएगी। क्योंकि एमपी के परिवार और कल्याणम योग केंद्र, आपने जैसा डायनामिक वुमेन तैयार किया है वैसा हमने भी ये परिवार बनाया है और इस परिवार में सैकड़ों लोग रोज जुड़ रहे हैं। हमारे केवल वक्ता वक्ता और आपके जैसे प्रमुख वक्ता देने वाले ही 100 से ज्यादा लोग हो चुके हैं और बाकी सारे रोज ऐसे हमारे साथ जुड़ने वाले कितने लोग आप देखेंगे। पूना से सुजाता जी है, मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जी है, ऐसे न जाने हमारे साथ भी इस ग्रुप में अमेरिका से भी लोग जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ में पूरे वर्ल्ड से हमको रिस्पांस आ रहा है। मॉरिशियस से लेडीज जुड़ी है, यूके से जुड़ी है और इंडिया के हर कोने से, छोटे गांव से लेके कलकत्ता दिल्ली तक सब जुड़ी है। तो फैमिली होती है, सबके लिए फैमिली का बहुत महत्व होता है। तो आइए आप बताइए कि इंडियन फैमिली, अमेरिकन फैमिली, वहां के फैमिली वैल्यू, हमारे फैमिली वैल्यू, इसमें आपको क्या फर्क लगा, हमें ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है। प्लीज हेमा जी, मेरी लड़की जो है वो डॉक्टर है और दोनों लड़के जो 25 और 23 साल के हैं, दोनों इंजीनियर हैं और एक ने अपने वो मेरे हस्बैंड के पीछे जो खड़ा है लड़का, उन्होंने अविनाश मेरे हस्बैंड का बिजनेस शुरू किया अभी। और जो राइट बाजू में है छोटा लड़का, वो अपना अपना बिजनेस शुरू किया, इज ओनली 23, मगर उसने आज ही उसका बिजनेस लॉन्च किया है एंड द वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस 2 साल में उसने ही ब्रॉट इट टू लाइक $40 million उसका बिजनेस का। सभी एक बार इनके लिए वाह, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा हेमा जी, आपके बच्चे भी इतना आगे बढ़ रहे, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। बताइए आगे बताइए। तो मेरे बच्चे जो क्या होता है, मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है, उनके 4 भाई और 1 बहन है और उनके घर में जितना रिस्पेक्ट, वो सब डॉक्टर्स है उनके घर में, उसके लिए नहीं, मगर वो सभी इतने प्यार करते हैं अपने माँ बाप को, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया। वो ऑलमोस्ट 100 पिताजी 100 साल तक जिए और मदर जो है 95-96 ईयर्स तक जी। तो उन्होंने क्या, हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने भी हमारे साथ और सभी बच्चों ने, सभी पूरा वर्ल्ड में अपने माँ बाप को जितना तुम रिस्पेक्ट करोगे ना, उतना ही तुमको आगे प्रोग्रेस भी होगा और तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा कि हमने ये क्या किया। और सब बच्चों ने ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों ने अगर हमको ऐसे ट्रीट किया तो हमको कैसे लगेगा। सो यू हैव टू थिंक बैकवर्ड। वो बोलते नदी आगे बहते रहती है, पीछे नहीं देखते हैं कोई, मगर मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ जीना है तो अगर अच्छी तरह से जिए। और मुझे ऐसे लगता है कि लेडीज भी को सपोर्ट करना चाहिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, अपने जो भाई है उनकी वाइफ है, कोई भी रिलेटिव्स आए वो आके उनका वेलकम करे, ऐसा भी होता है। अब मेरे घर में भी मेरे बच्चों को कितने लोग आते हैं हमारे घर में, इंडिया से, मैं अभी सीमा या सुनेत्रा जो है अभी इस पे है तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, मेरे घर में अभी तक यहाँ ऐसे लगता है कि 10,000 लोगों ने तो आके एक रात, क्यों अदरवाइज एक घंटा तो भी क्यों नहीं होता है, मेरे घर में आके रह के गए होंगे मोर देन 10,000 पीपल। तो जो हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना, उनको इंडिया भी जाना अच्छा लगता है, मगर मैंने एक देखा कि जब पैसा आ जाता है लोगों के पास तो बच्चों को यहाँ अलग रहने का इच्छा होता है। और इंडिया में भी मैं देख रही हूँ, सो अभी मैंने देखा कि जब तुम्हारा जब 2008 में जब इकोनॉमी डाउन हो गई, तब मैंने देखा सब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, जॉब नहीं था उनके पास, अपने ग्रैंड मदर के पास आ रहे, उनके बेसमेंट में आके रह रहे। तो मैंने बोला देखो पहले पैसा नहीं था, पैसा था तो ये लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं किया, और अभी पैसा नहीं है इनके पास, जॉब नहीं है तो अभी मम्मी डैडी के पास आके रहेंगे या नाना नानी या दादा दादी के पास आके रहेंगे। सेकंड टाइम जब मैंने कोविड के टाइम पे मैंने देखा कि ये कोविड की वजह से सब लोगों को अपनी लाइफ और अपना जो रिलेशंस है उसकी भी वैल्यू पता चली। और अभी मैं यूक्रेन के साथ भी काम कर रहे हैं हम लोग, हमारी जो टीम है जो हमने बनाई है प्राइवेटली, नॉट विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट वो उनके साथ जब
जब मैं काम कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि लाइफ ही एक ही बार आता है, तो हम सब मिलके एक दूसरे के साथ मिलके रहे, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करे, किसी को क्या बोलते हैं झगड़ा नहीं करे, एंगर छोड़ दे और रिलेशंस अच्छा रखे. वाओ, ऐसा बहुत के लिए कहना है और मेरे बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ, देखो अभी वो क्या करते हैं. बहुत बढ़िया हेमा जी. फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी होती है, पैसा सबसे बड़ा लगता है कभी कभी, और पैसे के लिए न जाने कितने किस्से बन जाते हैं. माँ बाप को छोड़ना, अभी माँ बाप का भी खून कर देते हैं बेटी, मतलब बहुत बुरी हालत है कभी कभी महिलाओं की वगैरह. अभी अभी कल मैंने उनको पेपर में बताया कि भाई अभी कल की परसों की न्यूज है कि एक 10 साल की बेटी पे उसके पिता ने भी बलात्कार किया. अभी हम इसी किस्से को सुन रहे हैं. तो बताइए मुझे कि अपनी अस्मिता बनाने के लिए, अपने अपने को बचाने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए. कोई आपसे मोटिवेशनल बातें हमको पता चलेगी तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जानती है आधुनिकता की आंधी है, आधुनिकता की आंधी है न जाने कहाँ उड़ा ले जाएगी, चुनौतियों से घिरी ये महिलाएं अपनी अस्मिता कैसे बचा पाएगी, अपनी अस्मिता कैसे बचा पाएगी, इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे आप? तो मुझे ऐसे लगता है कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों ने सभी लड़कियों ने तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, और अभी माँ बाप भी उसके लिए सपोर्ट करते हैं. और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा नेचर, अगर तुमने एक्सेप्टिंग पर्सनालिटी अगर तुमने बनाया, ऐसा नहीं कि कोई डांटता है तो एक्सेप्ट करो, मगर जो गुस्सा जो आता है, अगर आपने जो गुस्सा कम किया और जो आर्ग्यूमेंट्स होती है सबके साथ वो अगर हमने दूर कर दिया या इग्नोर किया, तो ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स होने वाले हैं या झगड़ा होने वाला है या वो तुमको अब्यूज कर रहे हैं, तो जाके बोल सकते हो. यू देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, मगर जितना हो सके उतना कॉम्प्रोमाइज लेके अगर तुम रहो हमारी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा. मगर जब कोई अत्याचार करता है तो देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. मम्मी के साथ बात करे या जो तुम्हारे भाई है बहन है उनके साथ बात करके ये इसके ऊपर सहन नहीं करना चाहिए. जब मैं देखती हूँ कुछ कुछ मैं फ्रेंड्स मेरे बोलते हैं कि मेरे चाचा ने मुझे ऐसे किया या मेरे ग्रैंडफादर ने ऐसे किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा. कि जब तुम बड़ी फैमिली में जब होते हैं तो ये सब हो सकता है, और अमेरिका में भी ऐसा नहीं है, वो बेसमेंट के अंदर या कहीं छुपा के रखते हैं बच्चों को लड़कियों को, एंड देन इतना उनको वीक बना देते हैं कि कभी कभी उन लोगों को चारा ही नहीं होता है कि क्या करने का. कभी मीडिया आके तुमको वो निकालेगा, कभी कोई धीरे से विंडो में से वो बाहर दौड़ के जाके बोलेंगे 911 को, खुद उनके माँ बाप भी उनको इतना टॉर्चर करते हैं. सो ऐसे ये विम्जिकल लोग जो है उनका जो विक्टिम ये बच्चे होने वाले हो रहे हैं, उनके लिए वो तो स्ट्रांग होना चाहिए, उन्होंने एक्शन लेना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है. वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है हेमा जी. हम इसके लिए एक आंदोलन चलाते हैं और ये लगभग देश स्वतंत्र हुआ तब से चालू है, और इसका नाम अणुव्रत है. और इसी सप्ताह के साथ हम अणुव्रत का भी काम कर रहे हैं. अणुव्रत है एक नैतिक आंदोलन है कि जो एक इंसान को पहले अच्छा इंसान बनाना सिखाता है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सभी बन रहे हैं, परंतु अच्छे इंसान बने कि नहीं ये हमें पता नहीं होता. और आज अपने जीवन को अगर कल्याण करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है और प्रगति के साथ साथ आगे अपने आत्मा का भी कल्याण करना है, तो इस प्रकार की सारी चीजें हमें साथ में बहुत उपयोगी आती है. तो आप अमेरिका में ये सब चीजों में इंडियन वैल्यूज को सबको बताने के लिए आप क्या प्रयोग करती है, क्या कौन से प्रोग्राम्स करती है कि जिससे पूरे इंडिया के कल्चर्स की भी अच्छी चीजें है वो अमेरिका तक पहुंचे, इसके लिए आपका ग्रुप क्या कर रहा है और इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए. अभी तो हमने दो 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 साल से हमारा ग्रुप मिलता तो नहीं है, मगर जूम कॉल पे जैसे सीमा जी है, स्वाति वो सीनियर लोगों के लिए प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं. मगर जो टेंपल में है बच्चों को, जैन जैन लोग है वो अपने बच्चों को जैन टेंपल में लेके जाएंगे, हिंदू जो है वो अपने टेंपल में लेके जाएंगे, या गुरुद्वारा के लोग. सो वो इंडिया से आए भी है तो अपनी ये जो कल्चरल वैल्यू है वो तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. और जो इंडिया से जो
आते हैं आर्टिस्ट वगैरह वगैरह आते हैं, ड्रामा लेके आते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका भी हम यहाँ उनको भी सपोर्ट करते हैं ताकि उनको भी सपोर्ट मिले इंडिया में उनके आर्ट के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सेकंड जनरेशन में भी ये कंटिन्यू करना चाहिए, और कितना जो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा, सो हम उनको सिखा रहे हैं और वो मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट, बच्चे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाह, आप जैसे महाराष्ट्र मंडल की आप जो काम कर रही है उसके साथ आप डेट्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, उससे सभी ऐसे कौन से यूएस के संस्था में भी जुड़ी है कि जिससे दोनों भी कल्चर का काम, दोनों ही संस्थाओं का मतलब इंडिया और अमेरिका का काम आप कर रही, तो ऐसे दूसरी संस्थाओं के बारे में हमें आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए यूएस के, कि जिससे आप जुड़ी है और काम कर रही है। पहले मैं डिट्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो टॉप इन द वर्ल्ड, फिफ्थ और सेवंथ टॉप इन द वर्ल्ड। वहाँ उन्होंने हमको इंडियन आर्ट के लिए, ज्ञान के लिए जगह दी है। और अनीता वन ऑफ आवर फ्रेंड, शी इज अ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट एंड आई एम द डायरेक्टर। तो हम लोग वहाँ इंडियन इंडिया डे करके शो करते हैं और हमारा कल्चर जाके वहाँ बताते हैं कि हमारा फूड, हमारा ट्रेडिशन, हमारा सॉन्ग्स जो डांसेस वगैरह होते हैं कल्चरल, वो करते हैं। एंड देन उसके बाद जो महाराष्ट्र मंडल, जो मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो हमेशा महाराष्ट्र मंडल की मैं वॉलेंटियर बन चुकी हूँ, प्रेसिडेंट या जो भी मुझे मिलता है टाइटल, तो मैं उनके उनको सपोर्ट करती हूँ। और ब्रहन महाराष्ट्र मंडल जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में, पूरे मराठी लोग हम मिलते हैं, तो उसमें हमारा कन्वेंशन होता है, तो उसके ऊपर मैं एग्जीक्यूटिव कमिटी के ऊपर हूँ। और उसके बाद पालव करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे सेव मिलियन बेबीज करके, जो ऑक्सीजन इंडिया में बच्चों को पैदा होते ही नहीं मिलता है ऑक्सीजन, उनके पालव के उनके मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करके हूँ। और एक दीवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिट्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, तो सॉरी डिट्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। और जो MICS जो अभी हमने शुरू किया, मिशिगन इंडियन कम्युनिटी सर्विसेस, तो उसमें हम कम्युनिटी के जो क्राइसिस होते हैं उसके अंदर मैं लीड करती हूँ, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। और दूसरा एक इंडिया हब करके मिडवेस्ट में है, आई एम ट्राइंग टू टेक दैट टू द नेशनल लेवल। अन्विता मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ हम आगे जाना चाहते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं है कि मैं उनके बोर्ड पे हूँ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी एक बार एमपी के और कल्याणम की तरफ से ऐसे डायनामिक लेडी के लिए हाथ ऊपर करके कहिए वाह 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 वाह, ओ मारहम, तालियों के साथ वाह 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 वाह। तो बहुत सारी बातें इनसे जानने जैसे, इनका तो मैंने जो बातें बताई, प्रश्न पूछी, वो तो मेरे को लगता है 1/3 भी नहीं है, इतना बड़ा है इनका सारा काम। तो इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूंगी हिमा जी, कि इतना काम करते हैं तो सम्मान तो होता ही है, इसीलिए आज हमने आपके सम्मान में ये 8 तारीख का प्रोग्राम रखा है आपका साथ। तो आपको ऐसे कितने अवार्ड्स, कहीं विशेष अवार्ड्स का उल्लेख आप करके बता सकती है कि आपके कुछ खास सम्मान हुए उसमें से, अवार्ड्स के बारे में या स्पेशल के बारे में आप बताइए प्लीज हमें, अच्छा लगेगा आपके अवार्ड्स सुन के, क्योंकि आपको तो बहुत मिले होंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो बताइए। यस, द अवार्ड के लिए तो मैंने कभी कुछ काम नहीं किया है, जब तुम कमेटी पे जाते हो, काम करते हो, दैट इज द अवार्ड फॉर मी, क्योंकि मैं वहां जाके जो मुझे शांति मिलती है और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, सो दैट इज माय अवार्ड। मगर अभी जो 2 साल में जो हमने हमने जो काम किया है उसके लिए नेशनल हीरो का अवार्ड, जैसे व्हाइट हाउस, नॉट व्हाइट हाउस, कैपिटल में उन्होंने बुला के वॉशिंगटन DC में हमको दिया था नेशनल हीरो फॉर लाइक कम्युनिटी सर्विस करके, सो दैट इज द लार्जेस्ट अवार्ड है। और बाकी सेटिस्फेक्शन इज मेरा अवार्ड है टू हेल्पिंग पीपल। अभी जो यूक्रेन का मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अभी इसके बाद शायद हमारा वॉलेंटियरिंग कम हो जाए, बंद हो जाएगा वॉलेंटियरिंग, एक के बाद एक आता ही है, तो यूक्रेन का कभी सोचा नहीं था। जो यूक्रेन का जो एक केस आया कि हिमा जी, हमारे मेरी एक कजिन है जो 12 बच्चों के साथ घूम रही है, और देन दे वर शोइंग द लोकेशन की 23 घंटे का ट्रेन है, 3 घंटे का वॉक है, ट्रेन स्टेशन गए, उनको उन्होंने ट्रेन स्टेशन में नहीं लिया,
उन्होंने बोला कि यू डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री, हमको पहले हमारे बच्चों का हमारे लेडीज को जाने दो, और मैं उनको भी दोष नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि उनको भी तो जीना था। तो उन्होंने हमको फोन किया तो 3 घंटा उनको ठंडी में जब वो चले गए जहां भी शेल्टर था वहां जाके देखा तो उन्होंने ऐसे देखा तो बोले कि यहाँ तो 700 बच्चे हैं इंडिया। तो फिर हमने फिर उनको बस ये सब कुछ उसका अरेंजमेंट जैसे ना कम्युनिकेट करके जैसे हम उनको मेंटली उनको सपोर्ट रहा कि कोई तो हमारा है, उसके कजिन का कोई तो ग्रुप उनको हेल्प कर रहा है। फिर दूसरा एक ग्रुप आया उसमें भी सेम स्टोरी, 12 बच्चे वो साथ में घूम रहे थे और बाद में दे एंडेड इनटू 700 स्टूडेंट्स का कैंप में। सो क्या होता है और लोग भी मुझे जैसे हेल्प करते हैं, कभी मैं फोन करती हूँ किसी को 12 बजे तो मैंने वो बोलते मैडम हम तो उसमें है हम हाइकिंग कर रहे हैं कैलिफोर्निया में तो हमारे 12 बजे उनके जो भी है। तो मैंने बोला वो सॉरी मैंने फोन किया तो बोलते नहीं नहीं हम तो हिमालय में भी जा रहे हैं ना तो हम तुम्हारा फोन उठाएंगे क्योंकि हमको मालूम है कि तुम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो व्हाट एवर क्वेश्चन यू हैव इट यू कॉल अस एनी टाइम। तो लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है हमको इसमें कि जब भी मेरा कॉल जाता है तो एवरीबडी पिक्स अप द फोन एंड दे लाइक टू हेल्प किसको भी जिसको भी हेल्प चाहिए। तो ये मुझे शेयर करना था और मैंने फैमिली वैल्यू भी शेयर की। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को और सबसे करना ये फैमिली के साथ ज्यादा दिन, अभी ये कोविड ने सिखाया है उनको और वॉर वगैरह जो देख रहे हैं बच्चे उन्होंने सब सबसे सीखना चाहिए कि ये ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट से हम करें, अपने मेन तो अपने फैमिली मेंबर्स एंड देन नेबर्स एंड देन कंट्री एंड देन वॉट एवर देयर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के हमारी महिलाएं अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहिए तो उनके लिए हम सारा ओपन कर देंगे और अनम्यूट करके वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगी या आपके फीडबैक देंगी। उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न लास्ट पूछूंगी। दान करना अपने लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है कि कई बार ऐसे सुना है कि भाई लाखों रुपयों के लाखों डॉलर्स के इन्होंने दान दे चुकी है और इनका हेल्पी नेचर तो मुझे तब से पता चला। मेरा पहला प्रोग्राम सीमा जी ने इनके घर पे रखा था, सीमा जी ने पहला प्रोग्राम इनके बेसमेंट में किया हुआ है। अभी मैं फोटो नहीं शेयर करता कि मेरे को इतना याद ही नहीं आया, लास्ट क्षण में ये सब चीजें याद आई, वरना मैं फोटो दिखाती कि हेमा जी लाफिंग में भी बहुत आगे, खुद भी लाफिंग कर रही है और सबको प्रेरणा दे रही है। तो हेल्प करना, प्रोग्राम करना, इतना बड़ा बेसमेंट और इतना सुंदर इनका घर। उसके बाद में हम डेट्रॉइट में, मेरा बेटा रहता है और हमें घूमने जाना था, वो रहते थे सिनसिनाटी में और डेट्रॉइट में घूमने जाना है, पर वो इतना 4 दिन के हॉलीडे थे कि कहीं बुकिंग ही नहीं मिल रही थी। बस सीमा को फोन किया, उसने बोला कोई बात नहीं है, हेमा जी का बहुत बड़ा वहाँ है हमारा हाउस वगैरह तो वो आपको दे देंगे। तो देखिए उस जमाने में मतलब इतना कोई नहीं, परंतु उन्होंने तुरंत हेमा को बोल दिया, सीमा को, कि वो वहां जाके रह सकते। हमने खुद ने अनुभव लिया कि इनके घर पे प्रोग्राम करना, इनके घर पे रहने जाने के लिए फोन किए तो वो किसी को भी हेल्प करती है। तो इस प्रकार लोगों को हेल्प करते करते आप डोनेशन जो देती है, तो आपके मेन आई थिंक कोई यूनिवर्सिटी को आपने अमेरिका में बहुत बड़ा डोनेशन दिया ऐसा सुना है, तो कुछ मेन डोनेशन के बारे में और उसके पीछे का उद्देश्य भी बताएंगे तो लास्ट क्वेश्चन करके हम महिलाओं को भी, आपको इनको कुछ पूछना है। हमारे साथ जुड़े निरंजन भैया, उनकी वाइफ, इनके घर पे भी हम गए थे, डांस करते हैं इनकी वाइफ भी, वाह। वो सीमा ने ऐसे ऐसे लोगों से मुझे अमेरिका में मिलाया है, इनके साथ इनके योगा सेंटर में जाती हूँ मैं। सीमा ने मुझे इतनी जगह प्रोग्राम करवाए है कि इनका सारा ग्रुप देख के कभी कभी मैं बहुत नसीबवान मानती हूँ सीमा को कि अमेरिका में जाके ऐसा ग्रुप तैयार किया है। तो हे माँ, सीमा, निरंजन भैया और सारे जो ग्रुप में है अमेरिका थे, तो इन सब को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि आप एक वसुधैव कुटुंब के रूप में काम कर रहे हैं। सुस्वागतम। तो बताइए आपके मेन डोनेशन के देने का और कितना और उसका उद्देश्य थोड़ा जानने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आपको पूछ रही हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरे हस्बैंड और मैं वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, तो वहाँ उनकी इच्छा थी कि हम स्कॉलरशिप दें जो अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे होते हैं फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, उनकी फैमिली जो साथ में नहीं हुई, एकत्र कुटुंब नहीं होता है, तो बच्चों के ऊपर पूरा वो लोन वगैरह आ जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि उनके लिए हम लैब बनवाएंगे और उनको जो इंजीनियरिंग नॉलेज देना है वो देना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा इतना वैल्यू नहीं लगता है। पहले 12वीं वगैरह पास होते ही उनको जनरल मोटर फोर्ड क्राइसलर में काम मिलता था,
मगर अभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको हम थोड़ा आगे आके इंजीनियरिंग वगैरह बनाएंगे, सो दैट्स व्हाट उन्होंने $5 million का लैब बनवा के उनको डोनेट किया हुआ है, और $1 million उनका जो है स्कॉलरशिप के लिए रखा हुआ है. सो जो भी बच्चे एडवांस में आ जाते हैं उनके लिए वो उनके पिताजी के नाम पे उन्होंने वो स्कॉलरशिप रखी हुई है. वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. भक्ति बनकर कर रही है मीरा जैसा काम, प्रेम बनकर कर रही है राधा जैसा काम. नारी के रूप अनेक, इनका दिल देखिए. पहले तो झांसी के रानी ने अंग्रेजों को भगाया, और नायडू वर्मा जैसे सारी बहनों ने, इंदिरा ने स्वदेश को संजोया है. वैसे आपका देश का नाम रोशन करने वाले हमारे हेमा जी के लिए एक बार सभी बोलेंगे बाबा बाबा बाबा. ये सभी रेडी, देखिए हमारे सारे आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुश है सभी आपकी बातें सुन के. अब आप लोग उनसे एक बार चलिए हाथ ऊपर सबके दिखाइए, सबको बोर्ड पे लिया है बाबा बाबा बाबा. अभिनंदन अभिनंदन महिला दिन के लिए. ऐसी महिला से बात करने का आनंद आप भी लीजिए. आप आनंद भाई जी इनके लिए जो अनम्यूट का ऑप्शन देना है, जो पहले बोलना चाहेगी पहले हाथ ऊपर करेगी और कुछ प्रश्न पूछेगी तो बहुत अच्छा लगेगा. अदरवाइज आप ऐसे भी एक एक को अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं. हैंडराइज ऑप्शन है, आप हैंडराइज भी कर सकते हो. हमारे साथ मनीष भैया भी जुड़े हैं, अमेरिका से ही है, ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं. मैंने इनका एक वीडियो देखा था नौकार मंत्र का, इन्होंने कोई मुझे लगता है कि वहां के हमारे जैसे विधानसभा राज्यसभा होते हैं वैसे वहां उन्होंने कौन सी सभा में किया था. मनीष भैया मुझे तो पता नहीं है, आप बताइए कि आपने वहां नौकर मंत्र कैसे किया. चलिए एक मिनट इनकी भी बात सुन लेते जो हमारे साथ है, सीमा की भी एक आधी बात सुन लेंगे. तो बताइए मनीष भैया. यस मनीष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. ओ अच्छा, ओके. बाय द वे जय जिनेंद्र एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. मैं ज्यादा तो इंग्लिश में बात करूंगा क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है एंड माय वोकैबुलरी इज लिमिटेड. बट आई जस्ट वांट टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल ललका जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक सीमा एंड अविनाश शाह बिकॉज दे आर द वंस हु इंट्रोड्यूस मी टू यू एंड वी हैव सिंस फॉर द लास्ट 4-5 years केप्ट इन टच. देयरफॉर यू नो टू ट्रैक द वंडरफुल वर्क दैट यू ललका जी आर डूइंग इन इंडिया. And, you know, both in the Jain community, Therapanth community, but also, you know, in the social service. So I'm really very grateful and delighted to meet you finally today in person. And I also joined this meeting, especially because I have so much respect for Hema Rachmaleji, who is doing such awesome work here in this community. And I listened for the last half hour to the interview that you had with her just now. And I have even more respect now for Hemaji than I already had. And the reason I know Hemaji more closely for the last year and a half is because she volunteered with Palav, which is a group that is very close to my wife also, Varsha. She was also on the board a couple of years ago. We have had several Rotary Foundation global grant projects with Palav. We have done 4 projects to date. And in partnership with Rotary Clubs in Pune, as a matter of fact, and of course, Bangalore and a couple of other places as well. But with the Michigan clubs here also sponsoring. So on one of the projects, Hema Rachmaleji came in the very, very bitter cold days when we had COVID in Detroit raging about a year and a half ago at very high levels. There was a lot of panic. And my Rotary Club applied for a global grant project with Rotary Foundation, which was sponsored to the tune of about $90,000 to buy PPE equipment, which was not available easily in America. Can you believe a great country like this not having PPE, like face masks and shields and all kinds of things for nurses and doctors to wear when they treat COVID patients? Aisa hal hua tha hamara 2 saal pehle, exactly 2 saal pehle, aajkal ki baat hai. But so my Rotary Club got the grant money. We partnered with Palav volunteers to do the distribution of the PPE to various hospitals across Detroit and nursing homes also for senior citizens. So Hemaji came with us on several of these visits, and I wish I could share photos from this that I have here with me in my phone.
But she did amazing work on very cold days when the temperature is -5, -6 degrees centigrade. You can imagine how cold that is. And even colder, we have gone out together to distribute PPE to various nursing homes and hospitals here. We have seen as witness, and I'm just telling you that from personal experience. Yes. Manish bhaiya, we would like to know from you about Naukar Mantra. Aapne kahan karwaye the US? That is a very interesting. Aur aapka video hum sabko bhej denge baad mein. To ek bar bataiye, aapne kahan karwaya tha Naukar Mantra aur kaise? Humne Michigan State Parliament jo hai, hamara House of Representatives mein. उसमें से मुझे इनविटेशन मिला था. वी आर सेवरल वेरी टॉप नॉच लीडिंग इंडियन वुमेन, वन ऑफ हूम आई रिस्पेक्ट हाईली एंड हैव बीन आल्सो हेल्पिंग विद हर इलेक्शन कैंपेन इज पद्मा कुप्पा. शी इज एक्चुअली अ तेलुगु लेडी, बट शी इज आल्सो अ डियर फ्रेंड ऑफ सीमा एंड अविनाश शाह, एज वेल एज सेवरल ऑफ यू हु प्रोबब्ली आर प्रेजेंट ओवर हियर. शी इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्रॉय, मिशिगन, which is the community which has a large, significant Indian professional population, you know, doctors, engineers, etc., all the entrepreneurs living around. And so we are very proud that Padma Kuppa has been elected as the state representative. And one of the big efforts she has been doing is interfaith, you know, collaborations for several years. And she was also a co-founder of Hindu American Foundation here in Detroit. Chapter. So several years ago, I had partnered with Padma to hold a Diwali celebration in the city of Ann Arbor, which is where I live and work. We held an interfaith event for all the for profiling all the Indian religions: Hinduism, Sikhism, Jainism, Buddhism, Zoroastrianism. And brought out leading community members from our Detroit Ann Arbor community to explain these concepts to the city of Ann Arbor, city council of Ann Arbor municipality. Great. Wow, so, Padma ke karan se. So she then invited me to come and speak at the House of Representatives exactly 3 years ago on 13th of March 2019. So she said, we want them, the Americans who are our elected lawmakers, to understand the diversity of the population that lives across Detroit and in Michigan. Thank you, Manish. And to raise awareness. So thank you very much for this opportunity. Yes, thank you. Gentlemen, wonderful to see you all. Yes, इस बात पे सीमा और सुनेत्रा जी कुछ एक एक अपनी विश को लेके एक आधी बात हेमा जी कर सकते, क्योंकि समय हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रही, वरना आपको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता. तो मैं सुनेत्रा जी और सीमा, पहले सुनेत्रा जी भी आइए. हम सीमा हमारी तो अपनी है, उसको तो हम ले रहे हैं. तो सुनेत्रा जी बताइए, ये सुनेत्रा जी अमेरिका में जाके जब मैंने जय जिनेन्द्र एंड मैं तो क्या बोलो, हेमा के बारे में सब वर्ल्ड जानता है. आई जस्ट लव हर, शी इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, एंड एनी टाइम व्हेन आई कॉल हर शी कम्स एंड आई से यू टेक केयर ऑफ ऑल फैमिली एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, सो शी कम्स, सो आई जस्ट एंजॉय दैट. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. सीमा जी. जय जिनेन्द्र, क्या बोलू सीमा, आई मीन हेमा की और मेरी फ्रेंडशिप, आई थिंक इट्स बीन नाउ 25 years. वी स्टार्टेड द स्मॉल लंच ग्रुप फॉर जस्ट महाराष्ट्रियन दैट टाइम टू लर्न द भाकरी एंड दीज एंड फ्यू रेसिपीज, बट देन इट नाउ इट्स वी हैव ऑलमोस्ट 200 पीपल इन दैट ग्रुप एंड इट्स रियली. And from there, she have taken all different groups and help and volunteer groups. And I'm so lucky to know Hema, Hema ji, as well as Manish Bhai ji, all these people. I have done the work with them, like in Jain convention, we have worked with Manish Bhai for interfaith programs and with the Hema, a few different programs. So I've been very, very lucky. And as well as with you, Alka, always whenever I come there, we do the years program there and here. So been very, very fortunate. And thank you, thank you, thank you.
चलिए अब हमारी बहनें जो रोज जुड़ती है उनमें से कोई बात करना चाहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है समय कम है पर आज महिला दिन है तो महिलाएं थोड़ा सा समय इनके लिए दूंगी। मैं एक फोटो आपके साथ शेयर करूंगी सीमा जो अचानक मेरे अभी हाथ में आया। ये देखिए कि हम इनके घर पे गए हुए थे शायद निरंजन भैया के सुमित्रा जी के घर पे सीमा हेमा फोटो थोड़ा जस्ट याद आई मुझे अभी और जस्ट मैंने वो शेयर किया। तो चलिए आप बात कीजिए मैं फोटो को सीधा करके भी बताऊं। थैंक यू अलका बेन थैंक यू। तो और कोई बात करना चाहे तो प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए। अलका बेन एक म्यूट के ले बोलो। हेमा का शी मिस्ड द ओसीआई वो जैसे शी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट हियर इतना काम करती हो क्या बात है बहुत बढ़िया। तीन रात को 3 बजे तक रहती है वो। इट वाज सो नाइस इट वाज लाइक शी इज अमेजिंग आई कैन नॉट डू इट विद हर। यस इसीलिए तो इनको डायनामिक लेडी कहते हैं ना सीमा जी ने स्पेशलिटी मैंने पूछा क्या है तो ये डायनामिक लेडी है। तो देखिए ये हमारा ग्रुप था हम बहुत साल पहले देखिए ये सीमा और उसके हस्बैंड है और बीच में निरंजन भैया सुनेत्रा जी और हेमा जी और उसके बीच में मैं भी हूँ। तो बहुत सारे ऐसे में फोटो दिखाती तो आज बहुत टाइम जाता वरना हमारे पास तो इन सब के मेमोरीज के सीमा के साथ बहुत सारे फोटो। बहुत धन्यवाद हमारी बहनों को मौका देते जो इंडिया से जुड़े बहुत क्यूरियस है हेमा जी से कुछ कहने के लिए तो मोस्ट वेलकम फ्रॉम रेगुलर हमारे स्टूडेंट जो रोज जुड़ते हैं जो 12 महीने हमारी क्लास में जुड़े रहते हैं। तो आइए बोलिए आनंद भाई जी किसको पहले बुलाएंगे। पहले हम सत्यनारायण जी को सुनेंगे क्योंकि जेंट्स को भी सुनना है महिला दिन के लिए और ये मध्य प्रदेश से है। तो बताइए सत्यनारायण जी आपको आज का महिला को मिलके कैसा लगा। दीदी प्रणाम सभी भाई बहनों को सुप्रभातम नमस्कार शायद वहां सुप्रभात नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सारे चित्र हमारे सामने आ रहे हैं एक एक चीज को हमारे साथ अपनी शेयर करने के लिए आदरणीय दीदी जी को और सम्मान्य सभी भाई बहनों को पुनः अभिवादन। निश्चित रूप से इतने सारे महान ऋषियों ने महर्षियों ने महापुरुषों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है और सारी चीजों को अगर जीना हो और दर्शन करना हो तो हम दीदी का जीवन चरित्र देख सकते हैं। कवि तुलसी बाबा ने भी कहा था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निश्चित रूप से दूसरों की पीड़ा से उनको जीने वाले उनको हेल्प करने वाले। और एक निवेदन मेरा दीदी ये भी है जब 2012 में एक बात आई थी एक निर्भया कांड हुआ था उसके बाद पॉक्सो एक्ट हमारे यहाँ बना है केवल हरासमेंट लड़कियों का ही नहीं उसके समकक्ष बच्चों का भी होता है। निश्चित रूप से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं हमको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए और वास्तव में बड़ा ही सुंदर बड़ा सार्थक रहा है। एक प्रश्न दीदी है मैं दीदी से जानना चाहूंगा कि ये सारा इंस्पिरेशन इतना सारा इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेकर के आते हैं क्या कोई साहित्य है या कोई आपके रोल मॉडल है आप कृपया बताने का बताइए। हेमा जी बहुत बढ़िया उसके पीछे एक स्टोरी है मे बी मेरी आंखें जो है वो ब्राउन है ब्राउन और मेरे पिताजी बोलते थे जो ब्राउन आंखें वाले लोग होते हैं ना वो बहुत दुष्ट होते हैं। दुष्ट मीन्स उनकी मम्मी शायद उनको प्यार करती नहीं होगी जो भी उनको लगता था। तो मैंने सोचा कि मेरी ब्राउन आंखें हैं तो मैं तो दुष्ट नहीं बनना चाहती हूँ। सो आई वॉज ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ टू बी लाइक नाइस। कोई चींटी भी अगर जमीन पे मुझे गिरी तो मैं उसको उठा के उसको बाजू में रख के मैं चलना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं वो खराब लेडी नहीं बनना चाहती हूँ पर जो मेरे पिताजी सोचते थे जो ब्राउन आंखों की पर्सनालिटी के लिए वो जो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया। बट एनीवे मेरा बचपन से ही मेरा नेचर ऐसा है। मैं हॉस्टल में भी गई तो मैं हर एक के पीछे जाके वो रोते थे तो मैं जाके उनको समझाती थी। सो वहाँ हॉस्टल में मुझे नहीं मालूम था कि ये सोशल वर्कर क्या अवार्ड होता है। जो हॉस्टल में उन्होंने मेरी कुछ फ्रेंड्स है अभी औरंगाबाद की इसके ऊपर कॉल के ऊपर तो पहली बार उन्होंने जब मेरा देखा मेरा काम तो उन्होंने बोला कि इस साल हमने पहली बार सोशल द बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड हमने शुरू किया है और वो मुझे मिला और वो 3 साल कंटिन्यूअस उन्होंने दिया।
तो मैं सोशल वर्कर, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं यहाँ आने के बाद देखा कि सोशल वर्कर को कितना वैल्यू होता है यहाँ, यू नो लाइक दिस साइकोलॉजी और जो भी होता है। तो तब से ही मुझे ये बचपन से ही है मेरा, तो मे बी नेचुरल है मेरे पास, ऐसा लगता है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, बोलिए अभी कौन बोल रहा है? अनिता जी, शॉर्ट में प्लीज, क्योंकि अभी समय कम है, तो एक एक दो दो लाइन ताकि सबको मौका मिले। जय जिनेन्द्र। हेमा जी, आपका लेक्चर बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। आपने जो जो सोशल वर्किंग किया है सब महिलाओं के लिए बहुत ही मोटिवेटिव है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, और जो अपने इधर की इंडिया महिला जो वहां पे भी यहाँ पे भी काम करती, प्राउड ऑफ यू। और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे अवार्ड के बारे में, शांति मिलती है वही अवार्ड होते हैं, बहुत सुंदर लगा। और दूसरा, लाइफ एक ही बार मिलता है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाते, बहुत कुछ लिखा था बोलने के लिए। हेमा जी पटेल, हेमा जी, एक हेमा जी हमारे साथ और जुड़ी हुई है, हेमा जी पटेल, और उसके बाद उषा जी, बोलिए। हेमा जी, हेमा जी पटेल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका क्लियर नहीं है हेमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी प्रॉब्लम्स है शायद, वीडियो में देख लीजिए। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है, और कुछ दूसरी आवाज आ रही है शायद। आनंद भाई जी, इनका नहीं चल रहा है, प्लीज तब तक उषा जी को लीजिए। उषा जी बोलिए। यस उषा जी, उषा शाह। यस उषा जी, ओके। यस, दो उषा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे हेमा जी के लिए बोलना है। हाँ बोलिए उषा। या हेमा जी को लिए बोलना है कि आई थिंक शी इज अ वंडर वुमन, एंड समटाइम्स आई फील दैट दिस मेनी थिंग्स, हाउ कैन शी डू इट? I don't even do one thing, and if I want to do one thing, you know, I'm lost everywhere. So I think that's the trick. I really want to learn from her, and I want to do some help like this too. You know, maybe one of these days I might learn from her and help her out too. Wow! Feel that I did some great. She's really Wonder Woman. I don't know how she does this. Very good. Yeah. Yeah. Thank you, Hemaji. You are doing great job. थैंक यू। जब मेरा मैंने ओसीआई का काम शुरू किया, तब मैंने देखा, मैंने जो लोगों को हेल्प किया, वो लोगों ने बोला कि हम तुमको हेल्प करना चाहते हैं, तुम्हारा वजन कम करना, वेट कम करना चाहते हैं, जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। तो उसमें निरंजन को ले लिया, जो स्मार्ट लोग हैं, जो बाकी लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसे करके भी मैंने उनको भी ट्रेन किया है। तो मैं आपको भी अंदर डालूंगी बाद में। उषा जी कभी पूजी जाती है, कभी जलाई जाती है, दुनिया में आने से पहले पहले ही कभी ठुकराई जाती है। एक दासी से लेके देवी तक सारी कुर्बानी देती है, हर एक का इम्तिहान होता है। अब हम नहीं है बेचारी, हमारे अंदर जो है चिंगारी, बाहर से जीना बहुत जी चुकी हूँ, अब अंदर भी जीना है, अपने आप को पहचानना है। महिला वर्ष के निमित्त यही संकल्प करना है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जानूंगी, हेमा जी जैसा आगे भी काम करूंगी, इसी भावना के साथ। मुझे लगता है हम आनंद भाई को भी थोड़ा सुने, आनंद भाई जी की तबीयत आज ठीक नहीं है, और मैं बताऊंगी हेमा जी, आनंद भाई जी 365 दिन ये चैनल चलाते हैं, और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कि नॉन स्टॉप 365 दिन काम करने का। ये चाहे ट्रेन में हो, ये चाहे प्लेन में हो, ये चाहे कहीं प्रोग्राम में रिलेटिव के यहाँ गए हो, 6:30 बजे बिल्कुल इसको ऑन करेंगे। आज भी कल वो बूस्टर लेके आए, उनको बहुत सारी तकलीफ है, फिर भी पूरे क्लास में बैठेंगे और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे हमारे आनंद भैया जी भी हमारे सारे बहनों को जोड़ने को जो प्रेरणा देती है, तो मैं कहूंगी कि आनंद भाई जी भी कुछ बात शेयर करें हेमा जी के लिए, सीमा जी, हेमा जी सबके लिए, महिलाओं के लिए। और इनको है ना, हमने ऑनलाइन सबने राखी भेजी थी, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, सब बहने ऑनलाइन राखी भेज रही थी इनको। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आज आपने हेमा जी को इनवाइट किया और हेमा जी के बारे में हम सबने जाना, कितना संघर्ष एक महिला कर सकती है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह के कार्यक्रम लेना बहुत ही सार्थक है।
कुछ बहनों ने और हैंडराइज कर रखा है, मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। तो आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी हम सबके लिए, सबके लिए जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और YouTube पे भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी प्रोग्राम आज का रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी आपका, आप जो कार्य कर रही है बिल्कुल बहुत ही शानदार है, और इतना बड़ा एक ग्रुप आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं इसी तरह हम और आप मिलकर अगर काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और अभी मैं संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सभी को जय जिनेन्द्र। हेमा जी का व्यवहार नेचर ऐसा लगा जैसे शास्त्रों में लिखा है वैसा ही है, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। जैसे शास्त्रों में लिखा है जीना है वैसा जीवन है उनका। भगवान हमको भी ऐसी प्रेरणा दे, हमको भी ऐसी शक्ति दे, हम भी आप जैसे थोड़ा चरणों की धूली बराबर बन जाए। चलिए पूरी टीम के लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि हमारी भी ऐसी टीम बने। हेमा जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमने भी एक केंद्र बनाना शुरू सोचा है, समस्या का समाधान देने का केंद्र, और इसमें हम चाहते हैं कि आप सीमा निरंजन भैया ऐसे लोग जुड़े और पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम से उनको समस्याओं का समाधान देने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका हमने पूरा प्लान किया है। उसमें एजुकेशन का एक ग्रुप अलग रहेगा, फैमिली प्रॉब्लम का ग्रुप अलग रहेगा, लीगल प्रॉब्लम का ग्रुप अलग रहेगा। इस प्रकार सारे ग्रुप रहेंगे और उनके एक एक हेड उसके एक्सपर्ट रहेंगे। तो चलिए आज महिला दिन पे हेमा जी के साथ ये संकल्प करते हैं कि हम संगीता जी हैदराबाद से जुड़ी है, अभी मैं हैदराबाद गया था तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। हैदराबाद चलिए हैदराबाद, और हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे ऊना से, हैदराबाद से, कोलकाता से, दिल्ली से, सूरत से, हर जगह ऐसे हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई है, और हम चाहे तो पूरे इंडिया में एक मिशन, इस मिशन को आगे पहुंचा सकते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे। तो हेमा जी निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन कर सकती है आप, और जो टीम हमारी काम कर रही है बिल्कुल आपके साथ मिलकर हम पूरे इंडिया लेवल तक इस कार्यक्रम को लेकर जा सकते हैं। शीतल जी ने हैंडराइज किया हुआ है, शीतल जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग था। कनाडा में एक कवि ने लिखा है कि स्त्री निंगे बेरे हसरु बेके स्त्री अंदरे अष्टे साकु। उसमें ये कहा गया है कि स्त्री के लिए कोई और डेफिनेशन के लिए जरूरत नहीं है, जो स्त्री शब्द आएगा उसी में सभी समाहित हो जाएगा। तो आजकल के जो इस हमारे इस कोविड के वजह से या जो भी पैंडेमिक चल रहा था उसमें तो भाई भाई को फैमिली में ही कितना ही होता, खुद की जान बचाना पहले सब सोच रहे थे, पर उसमें इन्होंने जाके इतना दूसरों के बारे में सोच के, ये कि बहुत ही आज ये सुन के बहुत ही खुशी और आनंद हुआ कि मतलब जो इन्होंने किस लेवल पे किया है। तो हैट्स ऑफ, धन्यवाद, थैंक यू। नासिक से सरला जी। हाय, जय जिनेन्द्र। आपका हेमा जी आपका प्रोग्राम बहुत ही प्रेरणादायक है। देखो पहले पुरुष संस्कृति थी तो महिलाओं को इतना आगे नहीं आने को मिलता था, और जब भी महिला होशियार थी अब भी होशियार है, महिला को इतना स्वतंत्र नहीं था। अब तो स्वतंत्र मिला है तो ऐसी डायनामिक महिला बन रही है, और पुरुषों के बराबर हाथ मिलाकर चल रही है। हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, ऐसे रोज हमको नए नए महिला से मिलने को मिलता है तो बहुत प्रेरणा मिलती है। हम बहुत खुश नसीब है, हमको साल भर से हम सबको मिल रहे हैं। हमारे इसमें भी अलका जी डायनेमिक महिला ही है। थैंक यू। तो अलका जी हम और आनंद मलजी भाई साहब सबको मिलाते हैं इसमें, हमें बहुत यानी हम खुश नसीब है, हम सबको मिल रहे हैं ऐसे एक एक करके। बहुत बढ़िया, थैंक यू सरला जी। तू सहनशील, तू सहनशील, तू ग्रहणशील, तू सबसे प्यारी नारी, नारी तेरी महिमा है नारी,
नहीं मानेंगी हार कभी, कोशिश करती रहेंगी बारे बार। दुर्गा तू, सरस्वती तू, सीता का रूप तू, लक्ष्मी तू, तुझमें ममता, तुझमें समता, वीरता बहुत कुछ है। समस्या तो आएंगी बहने, उनको आगे चमकना है, कभी न रुकना है, कभी न झुकना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमारे आचार्यों ने भी एक कम काम नहीं किया है। आचार्य तुलसी का नया मोड़ जो महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं स्टेज पे आकर बात करने की तो बात छोड़िए, घूंघट से बाहर नहीं आती थी और घर से बाहर निकलना भी उनको गवारा नहीं था। तो आज आचार्य तुलसी ने कितना काम किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। नया मोड़ एक ऐसा आंदोलन चलाया उन्होंने और आज हमारे समाज की महिला भी कहां से कहां पहुंच रही है। हम हर महीने महिला से मिलते भी हैं जो महिला कहां से कहां पहुंच चुकी है। तो महिलाओं को आगे लाने में हमारे आचार्य गुरु भी बहुत, भगवंत भी बहुत काम कर रहे हैं और महिला इसी तरह। मैंने कल भी रात्रिकालीन कार्यक्रम में एक सवाल किया था कि भाई आज से 30 या 40 साल पहले की महिलाओं को देखिए और अभी की महिलाओं को देखिए, कितना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन आया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में परिवर्तन ज्यादा देखने को मिल रहा है और महिलाओं को जो आजादी मिली है, बहन ने जवाब में सही जवाब दिया था भी, तो आजादी मिली है हमें, हम इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते, सदुपयोग करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आजादी जो मिली है महिलाओं को, उसको सही दिशा में अगर हम नियोजित करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। शासन माता आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शासन माता को भी याद करते हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी हमारे सामने एक आदर्श है, सहिष्णुता, समता, सबकी एक मूर्ति है। तो आइए एंड कर देते हैं, बहुत लेट हो चुका है कार्यक्रम में ऑलरेडी। बस अंत में इतना कहना चाहूंगी, वक्त जरा नाजुक है, जरा संभल कर चलना, ये लड़ाई थोड़ी जुदाई है, ये लड़ाई थोड़ी जुदा है, अलग है। घर में रहकर ही हमको लड़ना है, घर में रहकर ही लड़ना है, और रखो खुद को जागरूक और सतत जागना है, फर्ज मानवता का हेमा जी जैसे सबको निभाना है। संकट बड़ा है हमारे सामने यूक्रेन का, परंतु कोई डरने की बात नहीं, हमारे साथ साधु संतों का आशीर्वाद है। न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र रहते, देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत ना होते। तो भारत एक पुण्यशाली देश है, ऐसे संत महात्माओं को वंदन करते हुए हम कार्यक्रम में समापन की ओर चलते हैं। हेमा जी हमारे साथ काफी दिनों से जुड़ी हुई है और आपकी बदौलत आज हमें हेमा जी से मिलने का मौका मिला, अलता जी और आपकी बदौलत। तो इसी तरह आप जो डायनेमिक लेडीज आपसे साथ जुड़ी हुई है, उनको हम एक एक से सबसे मिलना चाहेंगे। आप चुन चुन के उनको जोड़िए हमारे साथ, उनका जो भी अनुभव है हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारे जो भाई बहन है उनको भी उससे लाभ मिलेगा। तो हेमा जी हम चाहेंगे आगे भी आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारे साथ मिलते रहे और हम समापन की ओर चलेंगे। और सीमा खने कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हेमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पे या यूट्यूब पे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, बिल्कुल सीधे बैठते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, आवाज आ रही। एक बात केवल शेयर करूंगी कि सीमा जी जो है, सीमा हमारे अमेरिका में, वो सबको जोड़ने का काम करती है, बहुत लोगों को जानती है। तो वो भी हमारे साथ जुड़े, आज से हमारे परिवार की ही हेमा जी और वो बने, और एक एक महिला को यहाँ हम ऐसे इंट्रोड्यूस करें, इसी यही हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड आज के कार्यक्रम का एंड हो, सीमाओं के साथ हो। हमारा प्रार्थना के लिए तैयार, सभी साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
आज रात 9 बजे भी एक हमारा स्पेशल कार्यक्रम है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। आज नागपुर से संगीता पुगलिया हमारे साथ 9 बजे जुड़ने वाली है और वो एक फिटनेस एक्सपर्ट है। तो ओबेसिटी आज महिलाओं के सबसे बड़ी समस्या है, ओबेसिटी से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने वाली है संगीता पुगलिया। तो रात को 9 बजे आप इसी लिंक से जुड़िए और संगीता को, संगीता एक बहुत सबसे बड़ी बात है कि संगीता आनंद भाई जी की बेटी है जी, और आनंद भाई मेरी प्रेरणा से वो कहां से कहां तक पहुंची है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट चला रही है और सुबह से शाम तक नॉनस्टॉप क्लास चलते हैं उसके, हजारों हजारों महिलाओं को उससे लाभ मिला है अपना वजन घटाने में। किस तरह से वजन घटाया जा सकता है, उसके लिए खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, हमें कैसे वर्कआउट करना चाहिए, और आप उनको देखोगी उसको तो लगेगा नहीं कि वो 47 साल की, 47 years old मेरी लड़की, तीसरी लड़की है। संगीता अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमा चुकी है और फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में आज नागपुर में लोग काफी बहने उससे जुड़ी हुई है और ऑनलाइन क्लासे भी ले रही है और दुनिया के कहाँ कहाँ से, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन क्लासे ले रही है, यहाँ बैठे बैठे उनका वजन घटाने में उस मार्गदर्शन कर रही है। तो शाम को 9 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, जय जिनेंद्र, ओम अरहम, थैंक यू।